Words are more powerful motivators and have ability to transform history of a nation, bring transition in the perception and mindset of the people. ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर मनसुख भाई मांडव्य जी. सर प्लीज किंडल द फायर ऑफ चेंज इन यंग मेडिकोज बाय योर प्रीशियस वर्ड्स ऑफ विजडम. नमस्ते. देश भर के विभिन्न प्रांतों से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे सभी प्रतिनिधियों को मेरा हार्दिक नमस्कार. स्वास्थ्य सेवा एवं राष्ट्र सेवा उत्तम ध्येय के साथ कार्य करने वाले NMO ऑर्गेनाइजेशन अपने सेवा के माध्यम से समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है और इस सेवा यज्ञ से लाखों ऐसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं जिनके लिए यह सेवा कार्य बिना हेल्थ सेवा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है. इस कार्य के लिए मैं NMO ऑर्गेनाइजेशन को हार्दिक बधाई देता. स्वतंत्रता के बाद भारत की प्राथमिकता हेल्थ केयर होनी चाहिए थी और हमारे मूलह बुनियादी ढांचे के अनुसार होनी चाहिए थी. भारत का संस्कार और भारत का मॉडल वो भारत का होता है, दुनिया का मॉडल दुनिया का होता है. भारत में हेल्थ सेक्टर कभी कॉमर्स नहीं था. भारत में हेल्थ ये सेवा है और इसलिए कोई कंट्री का कोई कॉन्टिनेंटल का जो मॉडल हो वो मॉडल ही हम यहाँ एक्सेप्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन भूतकाल में वो ही मॉडल पर हम चले गए और इस सेक्टर को सबसे कम प्राथमिकता दी जिसके कारण हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा. लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाई. देश में वर्ष 2015 में की गई एक स्टडी यह दर्शाती है कि देश में हर साल 50 लाख लोग गरीबी रेखा से इसलिए नीचे चले जाते हैं क्योंकि उनके घर में कोई गंभीर बीमारी आई थी. प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषित करते हुए देश के सामने यह प्राथमिकता रखी कि स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा. इसी तर्ज पर देश में 1,50,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलकर प्राथमिक इलाज के साथ साथ रोगों को रोकथाम पर जोर देने की शुरुआत हुई. यह योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देकर लोगों को बीमार पड़ने से रोकने का काम किया. पहले जब कोई बड़ी बीमारी आती थी तब देश का गरीब इलाज के लिए भटकता रहता था या बिना इलाज ही मरने की नौबत आ जाती थी. प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की. आज देश में 12 करोड़ परिवार यानी कि 60 करोड़ नागरिकों को प्रत्येक साल 5 लाख रुपए का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है. आज अगर कोई बड़ी बीमारी आती है तो आज देश के गरीब उसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है जहाँ पर उसी शहर का अमीर से अमीर आदमी इलाज कराता है. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी हेल्थ एम्पावरमेंट की योजना है जिसने टर्शरी हेल्थ केयर में अमीर गरीब के बीच की खाई को बहुत हद तक मिटा दिया है. सेकेंडरी केयर के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हर व्यक्ति को उसके अपने जिले में मिल सके इसके लिए भी प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम आज किया जा रहा है.
देश में सभी राज्यों को एम्स की सुविधा अपने राज्यों में मिले, इसके लिए राज्यों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज एम्स खोली जा रही है, ताकि हमारे लोगों को इलाज की सुविधा उनके अपने राज्यों में या राज्य के पास आसानी से मिल सके। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इफेक्टिव, एफोर्डेबल और एक्सेसिबल बने, इस प्रायोरिटी के साथ हमारा कार्य आज हो रहा है। कोविड के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां पाई गई, उन कमियां को दूर करने के लिए हमने 64,000 करोड़ रुपये की पीएम अभिम योजना चलाई है। आने वाले 50 सालों में अगर कोविड जैसी कोई महामारी आए तो हिंदुस्तान पूरी तरह से उस महामारी से लड़ने में सक्षम हो, इस पर आज गति से काम हो रहा है। आज विभिन्न मोर्चों पर एक साथ काम कर देश की स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। पहला मोर्चा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना है, दूसरा मोर्चा देश के दूर दराज के हिस्से में प्राइमरी और सेकेंडरी केयर को आसान करना है, तीसरा मोर्चा मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल रिसर्च का विस्तार करना है, चौथा मोर्चा मेडिकल प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग है, पांचवा मोर्चा है मरीजों को जन औषधि जैसी पहल के जरिए सस्ती दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध कराना है, छठवां मोर्चा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इलाज और स्वास्थ्य सुविधा की जन जन तक पहुंचाना है। मुझे खुशी है कि एनएमओ देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है, जिसे पिछले 20 सालों से नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर क्षेत्र में 2014 से जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख में भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य राजस्थान, पंजाब और जम्मू के जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछले 4 सालों से मालाबार क्षेत्र में, पिछले 3 सालों में नेपाल के सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में अब तक हजारों डॉक्टर्स के सहायता से ग्रामीणों और वनवासी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की है। एनएमओ छात्रों में समाज के प्रति सहानुभूति का भाव एवं उनमें मानवीय पेशावर व्यवहार को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, साथ ही छात्रों को किताबों से बाहर वास्तविक चिकित्सा आवश्यकता है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को समझाने और समझने के प्रयत्न में आप लगे हुए हैं। एनएमओ की टीम से मेरा आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 तक हेल्थ फॉर ऑल के एजेंडा पर काम करते हुए देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाने में अपनी भूमिका निभाए, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप क्वालिटी, एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर के माध्यम से हम अपने देश और दुनिया की सेवा कर सके। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय वाक्य स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा एक सकारात्मक विचार है जो देश को स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ता करेगा। एनएमओ द्वारा एम्स कल्याणी में चिकित्सकीय पेशों को सेवा की दृष्टि से स्वीकारने वाले डॉक्टर एवं छात्र छात्राओं के लिए एक अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं एनएमओ की वेस्ट बंगाल इकाई को हार्दिक शुभकामनाएं देता, जिन्होंने
एम्स कल्याणी यानी कि मेरे ही विभाग के इंस्टीट्यूट को एक अवसर दिया है ताकि हम भी इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में, इस अभियान में आपके साथ जुड़ सके। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।